है बाबू के पापा के पास। लगाने लगे ऊषा काटी देता पापा दैया डालू। तो गाड़ी को तो यहाँ लगा दिया जी, तो सीधा चलते हैं ऊपर और जिया और बाबू को लेकर के आते हैं। तो जी अब यहाँ से सभी लोग निकल रहे हैं, तो मिलते हैं कुछ दिनों बाद, ठीक है। तो फाइनली जी हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं क्रियांश के नानी घर की तरफ और सीधा चलते हैं। और अभी अंदर तो माहौल बहुत गर्म है। हाँ बेटू बोलो एक बार, राधे राधे। राधे राधे उसके हिसाब से बोल देते हैं। राधे राधे, इसको धूप लग रही है। अभी धूप है, आगे नहीं लगेगी। तो मजा का छोटा बोतल दे दीजिएगा। तो ले लिया जी मिठाई, आज जा रहा है क्रियांश पहली बार, तो कुछ मीठा हो जाए। इसको रख लो जी, पीछे ही रख दे। गंभीर हो के बैठा है, मामा जी रोड पे आ गए होंगे आपको देखने के लिए। देखिए सही में खड़ा है वहाँ पे रोड पे बाबा। है वाह, मामा जी रोड पे खड़े हैं बेटू को लेने के लिए। हाँ तो फाइनली बाबू पहुँच गए, कैसा लग रहा है आपको? हाँ अच्छा लग रहा है। ये आ चुकी है, गेट खोलो, बाबू को ले लो। जान मैंने बता जा बाबू बाबू। पहले बार मामा का घर आया ये तौलिया सब ले लो इसका। A few moments later। क्या कर रहा है? की बुबू बड़े नाना के पास है, देख रहा है किसके पास आ गया। बुबू धीरे धीरे टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। बुबू जब से इसको सुई लगाए निकल से थोड़ा शांत हो गया है। तीसरा महीना पूरा हुआ है, महीना क्या है क्या है? देख रहा है कहाँ आ गए हम। The next day। सुबह के 6:30 बज गए और बेटू को देख सकते हैं आप, सब जगह अच्छे घूम घूम के आ गया है ना। मेरे उतने अच्छे पहले सब जगह अच्छे घुमाया। हाँ आपको मजा आ रहा है घूमने में? यहाँ पे आ रहा है मजा आ रहा है। हाँ ओके, आज तो मेरा एग्जाम है बेटू, मैं तो एग्जाम देने जाऊंगी। हाँ आप यहाँ रहना ठीक है। रोगे ना? हाँ रोगे ना? मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। पापा है, नानी है, नानू है, बड़े नाना है, नानी है, बहुत सारे लोग हैं, है ना। मामा है, है ना। हाँ मजा आएगा ना आपको, आप भी चलोगे मेरे साथ? चलोगे? उंगली लेने की कोशिश कर रहा है मुँह में। भुकला है मेरा, मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। ठीक है आप खेलो। अरे बड़े नाना जी के साथ है ए गुलको। ओके 20 मिनट्स लेटर। पति देव ब्रश कर रहे और उधर देख सकते हैं हम ही लगाए, पता है ये आमला। आमला का पहले यहाँ बगीचा हुआ करता था, अब कट गया, अब सारा बगीचा कट गया, अब यहाँ भी थोड़ा सा बचा चालू हो रहा है, यहाँ काम होगा। ये आमला था ना हम लगाए थे, कार्तिक मास जो आता है उसमें पूजा होता है, तो पूजा करते तो बहुत छोटा था, अब ये बहुत बड़ा हो गया। और इधर जो फूल उल सारा देखे वो सब हम ही लगाए। अच्छा और इधर भी फूल है। थे इधर पेड़ा, केला, सेब, अनार, अमरूद तो ऐसे ही खाएंगे, है ना, क्योंकि तोड़ के तुरंत लाया गया है। और इधर रस कदम खा रहे हैं, अपना खा चुके हैं। आप अपना खा चुके हैं? आप नाश्ता कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं? इतना क्यों देती है? नाश्ता कर रहे हैं ना? बेटू सो चुका है बाबा का गमछा लेकर के, ओढ़ के सोया। टाइम हो गया है जी जिया के एग्जाम का, तो जिया चल रही है सेंटर पर, तो उसके साथ हम और बाबा दोनों चल रहे हैं जिया को छोड़ने वहाँ सेंटर पर।
तो जा रहे हैं जी सेंटर पर और देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट सब पहले से कुछ आए हुए हैं, पास में ही बगीचा है यार। तो जिया जी बैठ गई है एग्जाम के सेंटर पर और उसका एग्जाम जो है स्टार्ट हो चुका है। तो बाबा पीछे आ रहे हैं, यहाँ पर बाबा के सभी तीन परिचित थे, एक एक जो स्टाफ है, एक एक जो टीचर है यहाँ पर, तो अच्छा है जी। तो अब इसके बाद सीधा चलते हैं घर के अंदर। यहाँ पर जो है रुकने का ऐसे कोई फायदा है नहीं क्योंकि एग्जाम जो है 3 घंटे तक चलेगा और धूप में खड़े रहने का क्या फायदा। तो सीधा चलते हैं घर, भूख भी लग गई है और बाबू जो है अभी सोया हुआ है, कुछ देर में जगेगा तो ढूंढेगा वो मम्मी को या पापा को किसी न किसी को। सीधा वहीं पर चलते हैं और जाने से पहले यहाँ का आपको एक नज़ारा दिखा देते हैं। देख सकते हैं कितना हरा भरा जगह है यार। जिया का अभी भी एग्जाम चल रहा है जी, उसको आने में अभी भी 45 मिनट देरी है और उधर जो है बाबू सो रहा है। तो बाबू जो है कुछ देर तो सभी के साथ खेला है लेकिन बाद में बेकाबू हो गया, फिर लगता है उसको नॉन फिश चाहिए था जिसको वो जानता है, तब वो आया मेरे पास और थोड़ा देर उसको खिलाए तो वह चुप हो गया, फिर उसके बाद जो है उसको दूध पिलाया गया और वह सो चुका है। और बाहर देख सकते हैं बाहर हो रही है जी बारिश। कितने दिन बाद बारिश हुआ यहाँ बोल रहे थे, बारिश नहीं होता था? नहीं, दो बार हुआ इस साल। तो अभी बज रहे हैं जी 1:15 और जिया जो है अभी तक आई नहीं है, पता नहीं सेंटर में इतना देरी क्यों हो गया। तो सीधा चलते हैं सेंटर पर, उसे जिया के पापा गए हुए हैं वहाँ पर तो सोचे कि हम भी चले जाते हैं, थोड़ा सा बाहर का माहौल सब भी देख लेंगे। उसे भी घर में बैठे बैठे थोड़ा सा उब रहे थे, सेंटर की तरफ जा ही रहे थे जी, तो बीच रास्ते में जिया और पापा जी दोनों नजर आ गए। तो जिया से पूछते हैं कैसा एग्जाम गया? बहुत अच्छा। अच्छा गया पक्का? सब्सक्राइबर सब भी थी, वाह। स्टार्टिंग से देख के हंस रही थी बट हम बाद में बताए कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं। वाह चलो बढ़िया है, यहाँ भी अपने सब्सक्राइबर मिल गए जी। थी ना उस हम, हाँ हाँ बोल रही थी तुम्हारा वीडियो हम देखते हैं, बाबू भी आया। अच्छा वाह जी कितना बढ़िया रहा। फिर तो सीधा आप चलते हैं जी, खाना भी नहीं खाए हैं तो सब मिल करके खाते हैं। फिर बाबू अभी सोया हुआ है मजे में, पिछले लगता है 1 घंटे से सोया हुआ है वो। चलो जल्दी से खाना लगाया जाए उसके बाद चलते हैं। और यहाँ जो सोया हुआ है अंजलि जो है कितनी बार आ चुकी है उसको खिलाने के लिए, कम से कम 4 बार आई हुई है लेकिन हर बार ये सोया मिला है। 4-5 बार आई। वाह वाह वाह। और यहाँ बालक जो है सोया हुआ है, अच्छा जग भी रहा है। पतिदेव को दे सकते हैं, आराम फरमा रहे हैं एकदम। आराम फरमा रहे तो वो क्या करती है, सोने दो। और बाहर वो आई हैं भटिनिया जो गीत उत गाती हैं, बौआ होता है तो अब आपका बहुत सारा पॉकेट ढीला होगा। कोई बात, इसीलिए सो तो नहीं रहे हैं। इधर मेरा बेटा भी सोया हुआ है, बुगला मेरा सोया हुआ है। हाँ बुगलू, ए बुगला कितना देर सोएगा बेटा? A few moments later. तो मम्मी यहाँ पे दे रही है चूड़ी है, साड़ी है, उसके बाद यहाँ कुछ पैसे सब है, दाल है, नमक है, चावल है, आलू है, आलू परवल जो भी है, और इधर पैसा है। ये मम्मी अपनी तरफ से दे रही है, हाँ साड़ी है, ये मम्मी अपनी तरफ से दे रही है, अभी बाद में हम लोग भी अपनी तरफ से कुछ चीज देंगे, अभी जा रही मम्मी देने के लिए। क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? यहाँ बेटू को देख सकते हैं सेल्फी ले रहा है। ए बेटू, आ बेटू, अच्छा नहीं आ रहा है, आप मुंह बना रहे हो। हाँ
अरे बड़ी जुगा जी ये बड़ी लावा के ना बुढ़िया नानी के ढेर सोच लग रहा है नानी तुम्हारे दिनों ये महल बेल सो नानी तुम्हारे अभी जा रही है बाबू के पापा के पास उस रूम में ए अबू पापा कहां अबू पापा ना पापा दैया डालू सोचिया गए पापा भूख लग रही है।